तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज सोमवार को होंगे। तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील से। जी खालिद जमील। जी बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता कोई तकरीबन 18-19 माह में तीसरी बार इलेक्शन करवाने जा रही है। इस बार पहले जनरल काउंसिल का इजलास तलब किया गया था गुज़श्ता रोज, लेकिन तहरीक इंसाफ के दफातर पे पुलिस आ गई थी और वहां पे किसी को नहीं जाने दिया गया। फिर उन्होंने ये वर्चुअल इजलास किया ऑनलाइन और उसमें जो रऊफ हसन है उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया। फिर 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर उनकी तैनाती हुई और आज ये शेड्यूल अनाउंस किया गया 5 फरवरी को सोमवार के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है कि वो पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे। और इसमें उन्होंने अपनी जो ऐप है मेंबर्स की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, उन मेंबर्स को जो 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उनको ये वोट का हक दिया गया है और ये मुल्क भर में इलेक्शन होंगे और इसका शेड्यूल जारी किया गया। अगले 2 दिन के अंदर जो पैनल है वो अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, फिर उनकी स्क्रूटनी होगी 5 तारीख को इलेक्शन और फिर 6 तारीख को इलेक्शन का नतीजा जो है वो अनाउंस किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया खालिद जमील आगाह करने के लिए।